Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Class 9, chapter number 9, that is transfer of heat. Today we are going to do the numerical of this chapter. So starting from the numerical number 1. Numerical number 1 mein data hai. A person body is covered with 1.6 meter square of a wool clothing. Hame di diya hai area. मीटर स्क्वायर से हमें पता चला द थिकनेस ऑफ अ वूल इज, हमें जो थिकनेस दी हुई है वूल की दैट इज 2 × 10⁻³ - 3 मीटर. टेम्परेचर हमें दिया हुआ है आउटसाइड द वूल, मीन्स हमारे पास सराउंडिंग का जो टेम्परेचर दैट इज 11 डिग्री सेंटीग्रेड. देन हमारे पास इनसाइड जो टेम्परेचर है स्किन का या बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड. देन हमें कॉन्स्टेंट दिया हुआ है. अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कहता है कि पर्सन कितनी हीट लॉस करेगा. थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हमसे पूछ रहा है, कंडक्शन का पूछ रहा है कि कितनी हीट लॉस होगी. सो राइटिंग द डेटा, एरिया लिखा, थिकनेस लिखी, टेम्परेचर इनसाइड आउटसाइड, और फिर हमने टेम्परेचर का डिफरेंस ले लिया 36 - 11 वी गॉट 25. सो वी हैव द फॉर्मूला. फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू के ए. हमारे पास के कॉन्स्टेंट ए एरिया आ गया, फिर हमारे पास दैट इज द डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस हमने ले लिया और साथ हमने एल ले लिया. अब हमारे पास टी हमने फाइंड आउट करना है, थर्मल कंडक्टिविटी पर यूनिट टाइम फाइंड करना. तो टी को हम यहाँ से इस साइड ले आएंगे, ठीक, क्योंकि हमने क्यू डिवाइड बाई टी फाइंड आउट करना है. टी यहाँ से हटा, इस साइड पे आ गया. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, हमारे पास सबसे पहले के की वैल्यू आ गई, देन हमारे पास एरिया आ गया, एंड नाउ हियर इज द टेम्परेचर डिफरेंस, और यहाँ हमने एल की वैल्यू पुट कर दी. इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, वी गॉट द आंसर 1.6. देन हमारे पास ये लेंथ आ गया. नाउ ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके गए, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी. नाउ डिवाइडिंग द वैल्यूज वी विल गेट द आंसर 0.8 मीटर पर मल्टीप्लाई बाय 10⁻³. अब हम पॉइंट को पीछे लेके आएंगे, हमारे पास 8 हो जाएगा और साथ 10⁻¹. अब वैसे सेम, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, 3 - 1 दैट विल बी 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻². और यूनिट की जहां हम बात करते हैं, तो दैट इज टेम्परेचर के लिए हमारे पास जाउल आ गया, टाइम के लिए सेकंड आ गया, एंड जाउल पर सेकंड इज इक्वल्स टू वॉट. वो क्या होता है, वॉट होता है. मूविंग टुवर्ड द सेकंड न्यूमेरिकल, सेम वही फॉर्मूला है, सेम वही चीज है सारा. कह रहा है हमारे पास एक वॉल है ब्रिक की, जिसका एरिया 16 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और उसकी जो थिकनेस या लेंथ दी हुई है दैट इज 0.3 मीटर. अब कहता है जो हमारे पास आउटसाइड द वॉल टेम्परेचर है, इनसाइड, पहले इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड जो टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. कैसे हम कह रहे हैं इनसाइड, क्योंकि ये देखिए रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है ना, पहले इनसाइड की वैल्यू फिर आउटसाइड की वैल्यू, और जो आउटसाइड का टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हमें कंडक्टिविटी दे रहा है दैट इज 0.84. एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ हीट लॉस. जब भी रेट की बात आ जाती है, तो मतलब हमें टाइम को साथ लेके चलना होता है. ऊपर तो हमें हीट लॉस पर यूनिट टाइम दिया हुआ था ना, और यहाँ पे वो वर्ड यूज कर रहा है किसका, रेट का. रेट मीन्स हमें अमाउंट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट टाइम फाइंड आउट करनी है. सेम फॉर्मूला, सेम सब कुछ. यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला है, ये वाला टी हम उठा के यहाँ ले आएंगे. जब यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा. एंड नाउ देन पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट द आंसर दैट इज 896 वाट. मूविंग टुवर्ड द थर्ड न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल में वो हमें कंडक्टिविटी दे रहे हैं. एक विंडो ग्लास है, उसकी कंडक्टिविटी हमारे पास आ गई दैट इज 0.8. देन हमें वो कहता है हमारे पास एरिया क्या है 2 मीटर स्क्वायर, और थिकनेस हमें दी हुई है 4 मिलीमीटर. डू रिमेम्बर इट इज मिलीमीटर. अब कहता है एयर कंडीशनर रूम के अंदर का जो टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर के टेम्परेचर क्या है 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ना हम जब डेटा लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ किस में होती है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. तो हम मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मिली इज 10⁻³, हम 10⁻³ लिख देंगे. देन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दैट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड. सेम वही फॉर्मूला होगा हमारे पास, हमने लिखा, उसमें वैल्यूज पुट की, बाय पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट द आंसर. इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया 24, और इसका आंसर वही. अब हम जब डिवाइड करेंगे 24 डिवाइड बाय 4.0, तो हमारे पास 6 आ जाएगा, एंड 6 × 10³. You have only 3 numericals. You have to practice all the numericals and then you will be clear. And if any point is not clear to you, you can ask. Allah Hafiz.